ओके नाउ द अनदर फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि हम कॉन्टेक्ट में हो. ओके जैसे ये फैन है वो थोड़ी ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है फिर भी उस पर लग रहा है. हवा में मच्छर उड़ रहा है उस पर भी लगता है. हम हवा में उड़ रहे हैं, हम तो नहीं उड़ेंगे, प्लेन उड़ रहा है. चलो ओके तो प्लेन उड़ रहा है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. वो थोड़ी कहाँ पे किसी पे टच है फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है. ओके चलो तो एक बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा था क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने, वो दिया नहीं. पता है तुम्हें? वो कौन सा वाला सर? वो नहीं पता. अच्छा वो ऐसे पूछा था कि सर यहाँ पे ग्रेविटी है तो यहाँ पे ऐसे, वो तो मजाक ही चल रहा था लेकिन पूछा था उसमें, उसमें मजाक नहीं उड़ा रहे, पता चले ना हमें कंफ्यूजन हो तो सर यहाँ पे हम यहाँ पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है तो अगर डाउनवर्ड जाए मतलब साउथ में जाए तो कहाँ लगेगा ऐसे? समझ में नहीं आया. मतलब अभी ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऐसे खड़े बैठे हुए हैं तो ऐसे नीचे की तरफ लगे. हाँ. और अगर इंडियन मैप में हम नीचे ही चले जाए मतलब साउथ में चले जाए. अच्छा. हैदराबाद साइड या केरला साइड चले जाए तो साउथ में आ गए तो हम तो ऑलरेडी साउथ में चले गए तो बोले अब कहाँ लग गया ऐसे नीचे लगता है तो वो इंडियन मैप में नीचे ऐसा समझो. ओके सो ऐसा हुआ था, हम बहुत हंसे रहे. चलो आगे बढ़ते हैं. यू नो दैट 87% आए उसके क्लास 10 में, पार्टी मांग लेना. ओके चलो. यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड. लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? तो ये हम तो वंडर नहीं करते, न्यूटन ने किया था इसलिए लॉ आ गए थे. ओके चलो. सो व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? हमने बोला ना effect of force के stationary से moving और moving से stationary. So which is this force? So that is the gravitational force we will see now. The objects or things fall towards the earth. Because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. Okay, force of gravity बोलेंगे या gravity बोलेंगे? Okay, तो towards the earth है, towards the earth. Okay, अभी ऐसा समझो कैसे earth गोल है. हाँ. हम ऊपर है ऐसे समझो, ऊपर earth के ऊपर वाला गोले पे ऊपर यहाँ पे है. हाँ. तो ऐसे नीचे gravity लग रही है. अगर यहाँ पे कोई नीचे हो तो कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी? ऐसे लगेगी. ऊपर ऐसे क्यों? तो नीचे आ गया. ऐसे नीचे खड़ा क्यों रहेगा? कैसे लगेगा? ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी की वजह से नीचे खड़ा रह सकते हैं? मतलब हम गिर क्यों नहीं जाते? हम और तो रोटेट करता है तो हम क्यों नहीं रोटेट करते ऐसे करके करके गिर गए? ऐसा क्यों नहीं होता? गिर जाने चाहिए. देखो ग्रेविटी की वजह से तो हाई टाइड लो टाइड आता है, भर्ती आता है ना. हाँ. क्यों? मून की ग्रेविटी, वो पता था या मैंने बता दिया? अभी मून की ग्रेविटी की वजह से हाई टाइड और लो टाइड आता है. ये नहीं पता. हाँ तो ये मुझे पूछना था और फिर आंसर बताना था. चलो कोई बात नहीं, बता दिया. ओके लेकिन ये तो नहीं बताया, ये सोच के आना, कल बात करेंगे. ओके कौन सा वाला? अर्थ घूमती है तो हम घूमते हैं या नहीं घूमते? और अगर घूमते हैं तो गिर क्यों नहीं जाते? गिर जाने चाहिए. अरे वो तो खड़े हो तो गिर जाने चाहिए. हम तो मूव करते, कितनी फास्ट बाइक चलाते. हाँ. बाइक भी इतनी फास्ट चलाते और अर्थ भी मूव होती है तो हम गिर जाने चाहिए ना. सर अपने ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसे बाइक हम लोग चलाते हैं तो ऐसी सीधी चलती है और हाँ. ऐसे खड़ी रख दी बाइक तो गिर जाती है. मतलब क्या? मतलब हम ऐसे बाइक चला रहे हैं तो तब स्टैंड थोड़ी लगा हुआ है तो बाइक चल रही है. करेक्ट. और खड़ी रह गई तो गिर जाती है. गिर जाती है. नहीं तो डबल स्टैंड पे रखो. हाँ बात तो सही है. तो सोचना, हम कल दोनों के आंसर ढूंढेंगे. ओके सोच के आना लेकिन. हाँ yes, नहीं सोचा नहीं तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा. सोच के आना. हाँ,
जैसा हो वैसा सोच के आना। चलो, तो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमें पता हो या नहीं पता हो, सबको लगता है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और हमारे बीच में ही लगता है? जैसे हम दोनों है, हाँ। हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। श्योर? हाँ। क्यों नहीं है? होते तो ऐसे आ जाते नजदीक ऐसे। हाँ। तो हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, है। अगर नहीं होता तो सर? हाँ? अगर होता ही नहीं तो क्या होता? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बीच में या अर्थ वाला? नहीं, हमारे बीच में ना होता तो। हमारे बीच में अगर ना होता तो भी कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होता, तो जैसे अभी है वैसे ही होता। लेकिन अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमें इफेक्ट उसका क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, तो वो भी सोच के आना। ये तो उन लोग को पता होगा, दक्ष लोगों को। क्लास 9 में चैप्टर ही है ग्रेविटेशन। देखो, फ्रिक्शन अभी पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। हाँ। फिर ग्रेविटेशन 9th में पढ़ेंगे। ओके, सारे ही चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर तुम्हें समझा दिए गए हैं। मस्क्यूलर तो आ गया है, फ्रिक्शन अभी पढ़ेंगे, बस वही सब है। समझ गए? ओके, चलो। नाउ वाटर बिगिन्स टू फ्लो टॉवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो, और एक क्वेश्चन आया दिमाग में। वाटर रिवर में डाउनवर्ड जाता है टूवर्ड्स द सी, या ऐसे माउंटेन पे से ऐसे नीचे गिरता है? माउंटेन पे से, देखो सारी नदी का जो बर्थ होता है ना, बर्थ, ऑल द रिवर्स का जो बर्थ प्लेस है वो हमेशा एक माउंटेन होगा। देखना, हमेशा एक माउंटेन होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे नर्मदा मध्य प्रदेश से अमरकंटक जो माउंटेन रेंज है, अमरकंटक वहां से निकलती है रिवर नर्मदा। फिर जैसे हमारे गंगा, तो गंगोत्री है रिवर गंगा। रिवर यमुना, तो यमुनोत्री भी है। ये सारे पहाड़ है और पहाड़ पे से निकलते हैं। ओके, तो सभी के कावेरी रिवर है साउथ में, तो उसका भी थल कावेरी ऐसे पहाड़ का नाम है। तो पहाड़ पे से ही रिवर निकलती है। तो पहाड़ पे रिवर गई कैसे? वहाँ कहाँ से पानी आया और इतना ज़्यादा आ गया? क्वेश्चन है ना, सोच के आना। आज बहुत कुछ सोचने को दिया है। ओके, चलो सर। तो हम लोग ऐसे आ सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश से हम जाने हैं? हाँ, तो रिवर के किनारे किनारे चलते चलते आ सकते हैं। हाँ, रेवा मूवी देखा है? रेवा बहुत मस्त मूवी है, देखना। रेवा मूवी गुजराती मूवी है, उसमें ऐसा ही होता है। वो नहीं होते नर्मदा परिक्रमा करते हैं? हाँ, हाँ। सफेद सफेद कपड़े पहन के। हाँ, हाँ। यम तुम नीलकंठेश्वर जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे। तो वो जो मूवी का हीरो है ना, वो नर्मदा परिक्रमा करता है। अच्छा। हाँ सर, वो गरबा फिर ढोल बजाता है। हाँ, ऐसा ही सब है थोड़ा बहुत। तो तुम देखना, अच्छा मूवी है। तो आ सकते कोई भी। पहले तो हमारी हमारी जो हिंदुस्तान, जो हमारा हिस्ट्री में नहीं आता, जो हमारी इंडस वैली है वो रिवर के आजू बाजू ही शुरू हुई। सिंधु रिवर जो है वो सिंधु रिवर के आस पास, ऑन द बैंक ऑफ सिंधु रिवर ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, फिर धीरे 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 एक्सटेंड हुआ। ओके, चलो समझिए। ओके, ये रिवर वाला भी सोच के आना। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। सिर्फ हमारी नहीं, अभी देखो इसमें भी आंसर मिल जाएगा। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। बोला ना, हमारे बीच में भी फोर्स है। हम भी ऑब्जेक्ट है, तुम भी ऑब्जेक्ट हो। ओके, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ओके, so this force is known as the gravitational force. Oh, चलो सर, मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो हो, पूरे यूनिवर्स में तो उस पे ऐसा कोई भी प्लेनेट की वजह से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा नहीं जा सकता? खींचा जला जा सकता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। क्या हो गया? अच्छा, चलो कोई बात। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही तो अर्थ सन के टॉवर्ड्स घूम रहा है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही तो मून अराउंड द अर्थ घूम रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही
हम जो ऊपर सैटेलाइट रखते हैं वो टॉवर्ड्स दी अर्थ ऐसे घूमते रहते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन सबके पास पावर है ना, ग्रेविटेशनल पावर तो सबके पास है। ओके, तुम्हारे पास भी ग्रेविटेशनल पावर है, मेरे पास भी ग्रेविटेशनल पावर है, अगर सेम है तो हमने दोनों की इफेक्ट क्या कर दी, माइनस कर दी। तुम ये साइड भेजोगे, मैं वो साइड भेजूंगा, माइनस हो गई। ओके, तो इसीलिए हमें पता नहीं चलता। फिर भी सोचना है इसके ऊपर कि एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक क्यों नहीं जाते। ओके, चलो समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। ओके, कौन कौन से फोर्स पढ़े हमने? स्टार्ट किया था कॉन्टेक्ट फोर्स से। पहला था मस्क्यूलर फोर्स, उसमें हमने खुद का यूज़ किया, फिर एनिमल्स का यूज़ किया, कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ किया वो। ओके, सब कुछ देखा हमने। उसके बाद देखा हमने फ्रिक्शन फोर्स, वो हमेशा लगता है मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी हमें याद रखना है। फिर हमने देखे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, उसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। ओके, लाइक लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो हमने देखा। ओके, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स देखा, उसमें भी वही फंडा है। एंड देन फाइनली वी हैव सीन ग्रेविटेशनल फोर्स। टोटल पांच फोर्स देखे, दो कॉन्टेक्ट और तीन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर अदर हाफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्रेशर। अंडरस्टूड? तो प्रेशर आ गया है, पानी पी लो, चलो ऐसा। तो वो वाला प्रेशर नहीं। चलो तो प्रेशर की बात करते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7, सब कुछ ही लर्न कर दिया है भाई, तुम क्यों पढ़ा है? स्टार्टिंग ही यहाँ से करते हैं सारे पैराग्राफ की। हर एक बार फिर तुम्हें स्कूल में पूछे ना तो बोल देना आई हैव रिटर्न इन क्लास 7, प्लीज सी दैट। ओके, चलो। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops, छपरे उड़ा देंगे ऐसा। ओके, यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। ये पता है ना कौन सा सर? कि ये होता क्यों है, हवा कैसे चलती है, उसके थोड़े पांव है। पता है ना ये? या ये भी सोच क्या ना, क्या हवा क्यों चलती है, कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती, वो है ना। छोटे थे तो हम, मैं छोटा था ना तो ऐसा एजम्पशन करता था, मतलब आता था एजम्पशन क्या कि जब वो 14 जनवरी को पतंग चगाते हैं ना तो सुबह तक 2 बजे तक 3 बजे तक पवन ही नहीं होता, हवा ही नहीं होती, और फिर ऐसे सन्नाटे में पवन आता है, हवा आती है तो ऐसे उंगली उंगली कट जाती है, उतना फास्ट चला जाता है पतंग। तो ऐसे मजाक में, हम तो छोटे होते हैं तो कोई कुछ भी बोले तो हम शायद सच मान लें। तो कभी मैंने पूछा था किसी को, पता नहीं किसको पूछा था, किसने ऐसा आंसर दिया, बोले हमेशा हर साल ऐसे ही दोपहर के बाद ही हवा आती है। तो बोले वो जीबी वाले हैं ना, ऐसे बड़े बड़े फैन रखते हैं वहाँ पे। तो मैं तो सच मान गया वो। कितने टाइम तक मैंने वो सच माना, फिर पता चला कि मुझे बना रहे थे वो लोग। ओके, तो एयर फ्लो होता क्यों है, लेकिन अच्छा है ना बनाया। फिर जाके मैंने पढ़ा कि भाई होता क्यों है भाई ऐसे। ओके, तो एयर फ्लो होता है डेंसिटी डिफरेंस के वजह से, और डेंसिटी डिफरेंस होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, तो वही है। नाउ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड फोर्स? यस है, क्या रिलेशन है अभी देखते हैं। ओके, माय बाप है उनके। ओके, चलो। Try to push a nail into a wooden plank by its head. मतलब खिली को उल्टा कर दो और फिर ठोको, तो नहीं जाएगी इजीली। Did you succeed? No. Try to push the nail by pointed end. अब सीधी जैसे ठोकनी होती है वैसे करके ठोक, तो चली जाएगी। Could you do it this time? Yes. चलो आगे। Try cutting vegetables with a blunt knife. Blunt मतलब
धार वाली, धार बिना की, धार वाली मतलब शार्पन, और ब्लंट टूट गया ना, ऐसे टूट गया, ब्लंट सरफेस ऐसे, एंड देन विथ अ शार्प नाइफ, विच इज इजियर, शार्प से भाई क्या बात कर रहे हो, हाँ, सो डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर, देखो वो पहले खिली ठोकी, नीचे पॉइंटेड था मतलब एकदम पॉइंट था, और फिर ठोका तो चला गया, लेकिन पहले भी वही खिली थी, वही नेल थी, उसको उल्टा किया था तो वो अंदर नहीं जा रहा था, क्यों, उसका हेड बहुत बड़ा था, ओके, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहा, ओके, तो मतलब एरिया का फर्क पड़ता है, नीचे एरिया कम था लास्ट टाइम, अभी एरिया ज्यादा था, ओके, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, उसके ऊपर से डेफिनेशन लिख देनी है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, यूनिट एरिया मतलब सपोज 1 cm² है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे हम प्रेशर, ओके, क्या क्या लिखा हुआ, करेक्ट, तो ये क्या है, ये नहीं पता चला, अच्छा ये प्रेशर का यूनिट है, क्या है, प्रेशर का यूनिट, यूनिट, और कैसे आया वो, हमने अभी फॉर्मूला देखा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन, यस, न्यूटन साइंटिस्ट जो था, उसी के नाम पे से ये नाम आया है, और स्पेलिंग भी वही है, न्यूटन, आइज़क न्यूटन, हाँ सर, आइज़क न्यूटन, सर बोलते हैं, सर, सर रविंद्र जाड़ेजा, ओके, सो उनके नाम से ही फोर्स का न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ओके, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल का एरिया तुम फाइंड कर रहे हो तो क्या करोगे, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर होगा तो भी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड, ओके, नाउ कहाँ गए हम, हाँ, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, ओके, तो अभी के लिए हमें क्या सीखना है, वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, मतलब जिस पे प्रेशर गिनना है उस पे कितना एरिया हमारा है उतना ही कैलकुलेट करना है, सारा एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत अभी नहीं, अभी पहेली को कोई डाउट हुआ है, देख पहेली को पहेली हो गई, ओके, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स, वो ऐसे ऐसे गोल बनाते हैं, पता है यहाँ इत्तू सा गोल, वो इत्तू सा गोल पे मटका लेके जाते हैं वो लेडीज, पहले जाते थे अभी तो नहीं जाते, ओके, तो इतना गोल होता है, वो गोल के ऊपर इतने बड़े बड़े चीज होती है, ये देखो सूटकेस, तो ये गोला ऐसे पगड़ी, पगड़ी कैसे होती है वैसे, उसे गोला होता है ऐसे गोल, हाँ सर, इकताई होता है, इकताई, हाँ वो क्या बोलते हैं उसे, पाई जैसा, पाई, गोल गोल, तो वो होता है उसके ऊपर इतना बड़ा होता है, तो बोले डायरेक्ट रख दो ना भाई, वो बीच में इतना क्यों रखा हुआ है छोटा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, वो सारे फोर्स को वो कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे भेज देगा, ओके, अगर ऐसे ही लगे तो बहुत ज्यादा लगे, वो दब जाएगा नीचे, ओके, चलो, By doing this, they increase the area of contact of the load with their head. तो उन्होंने क्या किया? Area of contact बढ़ा दिया. So the pressure on the their head is reduced and they find it easier to carry the load. Area and pressure देखो inversely proportional है. Force by area. तो area बढ़ेगा तो pressure कम होगा. और area कम होगा तो pressure बढ़ेगा. Simple. Yes sir. Okay चल. Now next. Note that the area is in the denominator in the above expression. So, smaller the area, larger, वही बात है, pressure, okay. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? बैग बैग कहाँ गया, ये देखो, ये शोल्डर, ये जो है ये देखो कितना ब्रॉड है, ओके, यहाँ क्यूशन भी लगाया हुआ है, सस्ता वाला हो तो नहीं लगाया, ओके, ये देखो क्यूशन है, ब्रॉड है, और
अभी तो वो ऐसे है ना दूरी वाली हाँ, बैग ओके तो उस लड़की या लड़के भी अभी तो क्या लड़की और क्या लड़का ओके तो उसके अंदर तो ऐसे ऐसे पानी के बोतल दो डाल दो ना तो भी ऐसे खींच दोगे सो दैट इज नॉट वर्दी ओके सर वो पिचकारी आती है ना हाँ हाँ उसके जैसा मतलब हाँ करेक्ट 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 ओके चलो सो क्यों ऐसे स्ट्रैप दिए जाते हैं क्योंकि लोड ज्यादा ना लगे इसलिए तो एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया नाउ एंड व्हाई द टूल्स मीन्ट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एज शार्प एज होगा तो जल्दी कट होगा बोल बोल सुन हाँ सर एक मिनट हाँ चलो तो पता चल गया कटिंग एज पे क्यों कटिंग एज पे क्योंकि शार्प एज वहां पे हमने एरिया को कम कर दिया नाइफ का या कटिंग टूल्स का एरिया कम कर दिया एरिया कम कर दिया मतलब प्रेशर बढ़ गया मतलब सट देके कट जाएगा ओके नाउ डू लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर यस अभी तो हम सॉलिड सॉलिड खेल रहे थे अभी लिक्विड और गैसेस भी आएंगे तो वो लोग भी कर रहे हैं डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स क्या एरिया पे वर्क करता है हाँ तो करेगा ओके कैसे करेगा हम देखेंगे अभी अंडरस्टूड तो ये हमने फर्स्ट प्रेशर देखा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया उसका यूनिट भी देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसके बेस के न्यूमेरिकल यहाँ पे है नहीं लेकिन अगर करेंगे हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे ओके सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड फिर अचानक से नाइन्थ में सब कुछ आएगा ना तो डर लगे क्या है यार सर फिजिक्स क्यों आता है ऐसा सब बोलते थे वो ओके तो न्यूमेरिकल पहली बुझो चले गए स्टोरी सब चली गई अब सिर्फ पढ़ो 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 तो बोर नहीं होना है स्टोरी चली गई तो हमें खुद बनानी पड़ेगी ओके चलो ये समझ में आया हाँ नाइन टेन तक क्यों नहीं पढ़ा है वो समझ में वो सिलेबस ज्यादा हो जाएगा ना पेज इसीलिए नहीं तो पढ़ा देते उनको भी एथ से ही स्कूल जाना बंद करवा दिया हम चालू करेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पहली बुझो को पढ़ाओ ऐसे ट्वेल्थ तक ले जाओ ओके चलो तो ये समझ में आया yes, और क्या करें और एक देखेंगे या पहले रुको कॉल कर देते पारिता वन मिनट आई विल कॉल यू बैक ले कॉटन पानी काना पानी गिरेला चलो काव्या શું કરો છો પ્રેક્ટિસ 2 ટાઈમ્સ થઈ ગયું બધું થઈ ગયું સારું આગળનું જો હમણાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સર હા એસે એ ફિગર છે 1 મિનિટ એ બંધ કરી બાય